शहर शहर बर्बादी की बारिश, पहाड़ से मैदान तक बारिश का घमासान, बारिश से बेहाल कर्नाटक मुंबई। कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, खासकर तटीय इलाकों में, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य में अगले 4 दिनों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए IMD ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण नदियां नाले उफान पर हैं और खेतों में भी पानी भर गया है। निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं केरल में भी भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं। वहां अब तक 18 लोगों की मौत हुई है, हजारों लोगों को राहत शिविर में भेजा गया है। जानकारी के लिए बता दें, पूरे भारत में इस वक्त मानसून की बारिश हो रही है। दक्षिण भारत भारी बारिश की गिरफ्त में है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में आज भी बारिश होने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने आज भी केरल में रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं। मुंबई में आज सुबह हुई बारिश के चलते शहर के कुछ हिस्सों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में 8 अगस्त तक रोज बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली में इस समय तेज बारिश हो रही है। बिहार के तकरीबन सभी हिस्सों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। IMD की माने तो राज्य में आज तेज हवा के साथ बादल बरस सकते हैं। यहां 2 अगस्त की रात पटना समेत अन्य हिस्सों में जमकर बारिश हुई है। बिहार से सटे नेपाल में लगातार बारिश होने के कारण सीमाई इलाकों से गुजरने वाली छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। यही कारण है कि बिहार के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी मानसून के आगमन के बाद से ही लगातार बारिश हो रही है। IMD के अनुसार यहां के ज़्यादातर हिस्सों में आज झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी UP से लेकर पूर्वी UP के कई जिलों में आज बारिश होगी। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी और वज्रपात की भी संभावना है। बता दें, राजस्थान में मानसूनी बारिश का दौर जारी है, जहां बीते 24 घंटे में सबसे अधिक 9 सेंटीमीटर बारिश टोंक में दर्ज की गई है। वहीं राज्य में आज भी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग की माने तो पंजाब के कई इलाकों में आज और कल बारिश हो सकती है। वहीं हरियाणा में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। बता दें कि पंजाब और हरियाणा में इस साल जून की तुलना में जुलाई में ज़्यादा बारिश हुई है। जबकि मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के मुताबिक आज से लेकर अगले 24 घंटे के अंदर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड में बारिश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।